फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ना लेकर आई हूँ मलाई लड्डू। ना तो इसमें घी डलेगा और ना इसमें चाशनी, झटपट तैयार होंगे। फ्रेंड्स, आसान खाना सबको सिखाना, ये सभी जो किचन का मिशन। फ्रेंड्स, तो देर किस बात की, चले आए शुरू करते हैं मलाई लड्डू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद और यकीन है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत, ज़िंदगी लाता दाद खुशियां दे और आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे। फ्रेंड्स, सोभी सोभी किचन में ना आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, डिफरेंट है मलाई लड्डू, जो कि बनाना बहुत ईजी है, झटपट बनेगा। फ्रेंड्स मैं आपको ना जैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि बेमकसद वीडियो नहीं लंबी करनी, ठीक है, मकसद वाली चीज़ें बताती हूँ। ये 3 किलो के जितना मैंने ना दूध ले लिया है, फुल फैट फ्रेश दूध है, और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा ना, तो आपके पास अगर सिरका है तब, फ्रेश लेमन जूस है तब, या तीसरी चीज़ है टाटरी, ये तीनों चीज़ों आपने डायरेक्ट नहीं डालनी। अब जैसे कि मैं ना 3 किलो दूध के लिए ना 2 चम्मच फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी, जो कि ये है। इसमें ना ये तकरीबन 2 चम्मच था, 2 चम्मच ही मैंने पानी का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह सिरका अगर आप इस्तेमाल करें वो भी डायरेक्ट नहीं, ठीक हो गया। इसी तरह टाटरी जो है ना, उसे भी पानी में हल करके इस्तेमाल करें। इससे पनीर हमने बनाना है। पनीर की रेसिपियाँ ऑलरेडी सोभी किचन में ना मैंने डाली हुई हैं, लेकिन मैंने कहा ये मलाई लड्डू हैं तो मैं आपको साथ साथ बताऊं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो जो पनीर है ना वो बहुत सख्त बनेगा, हमें सख्त पनीर नहीं चाहिए, बिल्कुल मुलायम, ठीक है। इसी तरह तो मलाई बनेगी ना, मलाई की तरह नरम मुलायम। तो चले आए शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट दूध हमारा बॉयल हो गया है और ये जो फ्रेश लेमन जूस है ना, ये मैं एक ही दफ़ा सारा नहीं इस्तेमाल करूँगी, ये देखिए थोड़ा मैं बचाऊँगी और फिर मैं इंतज़ार करूँगी। जी फ्रेंड, अब इसमें ना बाकी जो बच गया था ना वो भी मैं डाल देती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए पनीर अलहदा हो रहा है और वो जो सबस सबस पानी है ना, लाइट सा, वो अलहदा हो रहा है। और इसी तरह हमें चाहिए कि आराम आराम से ना पनीर बने, जो एकदम बन जाता है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। ये देखें, ये पानी बिल्कुल अलहदा हो गया। जी फ्रेंड, चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये देखें पनीर अलहदा, पानी अलहदा। अगर आप ना ये पानी जो है ना सब्जी या तो कोई दाल है ना उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं करूँगी ये पनीर को ना मैं 2 से 3 पानी में डाल के, छानने में डाल के ऊपर से ना 2 से 3 दफ़ा पानी डालूंगी कि इसमें जितना भी वो लेमन जूस है, मैंने तो फ्रेश लेमन जूस डाला है, आपने सिरका या टाटरी डाली है ना वो निकल जाए। जी फ्रेंड, पनीर मैंने निकाल दिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया है पानी से भी निकाल दिया उसकी खटास दूर करने के लिए। अभी फ्रेंड्स करना ये है ना, 1 किलो दूध ना आपने ना इसे बॉयल, लेकिन फ्रेंड्स आपने जो आंच है ना वो तेज़ ही रखनी है कि स्लो आंच पे ना दूध का कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स ये 2 से 3 चम्मच अगर फ्रेश मलाई आपके घर में मौजूद है ना तो ये भी आप डाल दें, अगर नहीं है तो बेशक आप स्किप कर दें, ये टोटल ऑप्शनल है। और इसे ना आप पकाएं, ठीक है, ये जितना दूध है ना ये आधा रह जाए। जी फ्रेंड, दूध को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट किया है ना, तो अभी मुझे आपको दिखाना है ये पनीर। अब पनीर ये देखे ना, ये दाने दाने हैं, आपने इसे ना हाथों से मसल के ना बिल्कुल मुलायम सा कर लेना है। आपने इसे मशीन में नहीं डालना, या हाथों से करना है या जो पोटैटो मैशर होता है ना उसके साथ। और इसमें ना आपने 2 बड़ी चम्मच भर के ना खुश्क दूध का डालना है, ये टोटल ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो बेशक स्किप कर दें, ठीक हो गया। इससे ना खुश्क दूध डालने से ना रिच सा फ्लेवर आता है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है और इसे बहुत अच्छे से मसल के ना मैं बिल्कुल मुलायम कर लेती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये इसे मैंने बहुत अच्छे से ना मसल लिया, ये देखिए।
जी फ्रेंड, ये देखें दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ना डालेंगे 8 से 10 सब्ज इलायचियाँ हैं ना, उनके बीज अच्छे से ना पीसना नहीं है। जी फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल पीसना नहीं है, थोड़े से दरदरा से ना आपने सब्ज इलायची के बीज डालने हैं। जी फ्रेंड, चीनी इसमें जाएगी, मैं ना 2 चम्मच के जितने डालने लगी हूँ। ये भी मैं थोड़ी सी ना, ये देखें बस, क्योंकि दूध की अपनी मिठास होती है ना, तो ज़्यादा चीनी इसमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आपने डालनी है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। जी फ्रेंड, ये जो पनीर और खुश्क दूध को ना हमने बहुत अच्छा सा क्रीमी सा बना लिया है ना, ये डालेंगे इस दूध में। ये ना सारे का सारा ना इसमें आराम से डाल देंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आपने ना इसका चम्मच नहीं रोकना और इसे बिल्कुल गाढ़ा सा, जिस तरह हलवा नहीं होता, आपने उस शेप में ले आना है। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये बिल्कुल ना हलवे की तरह हो गया है। अभी आपने ना चाहे तो ना किसी भी ट्रे को ना ग्रीस करके ना घी से, ठीक है, आप फैला दें और फिर ना बर्फी की तरह छोटी छोटी टुकड़ियाँ कर लें। चाहे तो ना थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना, तो इसकी ना छोटे छोटे लड्डू बना ले। जी फ्रेंड, फाइनली हमारे मलाई लड्डू रेडी हो गए हैं। बहुत इजी बनते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, तो चाहे तो आप इसकी छोटी छोटी टुकड़ियां बना लें, चाहे ये मलाई लड्डू है, तो इसलिए मैंने ना इन्हें लड्डू की शेप दी है। और फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह आपने फॉलो करना है, लेकिन इसे ना जब आप दूध को बॉयल कर रही हो ना, उसे स्लो आंच नहीं करनी, वरना इनका ना कलर चेंज हो जाएगा। तो आप बनाएं और अपना फीडबैक सोभी सोभी किचन के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।